2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए रुद्रप्रयाग से वर्तमान विधायक भरत चौधरी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी करते हैं, सर किस तरह की तैयारी कर रही है। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो एवर रेडी जिनको कहते हैं, मैं हमेशा से तैयार था, तैयार हूँ। और 5 साल मैंने, मेरा जो कार्यकाल रहा है, मैं निरंतर जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के काम किए हैं और जनता से निरंतर मेरा संवाद बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत गहरी आस्था है, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही सुखद परिणाम आने वाला है। विपक्ष का कहना है कि रुद्रप्रयाग में बहुत सारी समस्याएं हैं, विकास कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में, सीधा विपक्ष लगा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो विपक्ष की ये है कि उनके लिए कोई गुंजाइश मैंने छोड़ी ही नहीं है, तो वो जानते हैं कि उनके लिए कोई रूम, कोई जगह, कोई स्थान मैंने रुद्रप्रयाग में नहीं छोड़ा है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी समस्या कोई दूसरी हो नहीं सकती है। पहाड़ में पलायन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई भी आज के समय में बहुत गर्म पड़ रहा है, आम आदमी महंगाई से परेशान है, इन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में जाते हैं तो किस रूप से देखते हैं? देखिए, पहाड़ में जब मैं जाता हूँ तो जितने भी पहाड़ में हर परिवार लगभग सीमांत किसान की श्रेणी में आता है और सभी को किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये प्रति 4 महीने में उनके खाते में आ रहा है। वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, लगभग जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो उस श्रेणी में आते हैं उनको मिल रही है। मैं नहीं, एक हिंदुस्तान में जब से चुनाव प्रारंभ हुए मुझे नहीं लगता है कोई भी चुनाव ऐसा आया हो जिसमें महंगाई मुद्दा ना रहा हो। महंगाई बढ़ती है, बढ़ेगी, लेकिन उसी अनुपात में लोगों के संसाधन भी बढ़े हैं, तो ये कहना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तीव्र होगी कि बहुत खराब स्थिति में है। महंगाई ज़रूर है लेकिन लोग उसे लड़ने में सक्षम हैं। एक ऐसा समय था कि मात्र प्याज महंगा होने से सरकार चली गई है, आज तो ऐसा कंडीशन है कि प्याज, पेट्रोल, खाद्य तेल सारे महंगे हैं, आम आदमी परेशान है। मैंने आपसे कहा कि प्रश्न महंगाई का नहीं, प्रश्न अफोर्डेबिलिटी का होता है। अगर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वो महंगाई दुखदाई नहीं होती है। अगर लोगों के पास संसाधनों की कमी हो और लोग अफोर्ड न कर पा रहे हो, लोगों की परचेजिंग पावर न हो, वो दिक्कत तलब होती है। तो प्याज कहते हैं कि एक्सेप्शंस आर नॉट लॉज, अपवाद जो हैं वो नियम नहीं होते हैं, वो इंडियन पॉलिटिक्स के इस तरह के एक दो अपवाद हैं जब इस तरह की चीज़ें हुई, उसको हाइप दिया गया। लेकिन अब हर 5 साल में जो मतदाताओं का जागरूकता का स्तर है, लोगों की अवेयरनेस है, वो बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, तो अब इस तरह के मुद्दों को लेकर के विपक्ष जनता को बरगला नहीं सकता है। जनता देख रही है पूरे देश के पैमाने पे, उत्तराखंड के पैमाने पे जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो अभूतपूर्व है। सबसे बड़ी बात है जब बीजेपी विपक्ष में रहती है, पेट्रोल के दाम 1 रुपये बढ़ते थे, 2 रुपये बढ़ते थे, तो हमेशा आंदोलन करती रहती थी, प्याज का माला पहन करके आंदोलन करती थी, रोड पर आती थी महंगाई करके। तो आज पेट्रोल करने, प्याज करने, खाद्य तेल जो है आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है। अगर गैस की बात करें तो गैस करीब 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है, तो आम आदमी इससे त्रस्त है। आप, मैं भी आम आदमी से बात होती है तो आम आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि महंगाई बहुत है, सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव महंगाई बड़ा मुद्दा बनेगा, उससे बीजेपी को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए था चुनाव के समय? देखिए, मुद्दा हमेशा बनता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इतनी ख़राब स्थिति नहीं है कि लोग उस महंगाई को अफोर्ड ना कर सके। लोगों की माली स्थिति, माली हालत बहुत बेहतर हुई है। मनरेगा में जो 100 दिन की दिहाड़ी अनुमन्य थी केंद्र सरकार की, उसको हमारी सरकार ने बढ़ा करके 150 दिन किया है। उसके अलावा जो श्रमिक बोर्ड है उससे जो गरीब हैं उनको, चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, हर जगह उनको मदद मिलती है। तो मेरे ख्याल से महंगाई
उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनने जा रहा है जितना कि विपक्ष इसको कहता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जब विरोध में थी तो उसका नैतिक दायित्व था कि वो जो सत्तारूढ़ दल है उसकी नीतियों का विरोध करे। कांग्रेस आज अपने ही अंतर्कलह में इतनी व्यस्त है कि उसको फुर्सत ही नहीं है जनता के कोई मुद्दे उठाने की। तो उसके लिए कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनके साथ। रुद्र प्रयाग से बीजेपी के हैं और लोग भी सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कहीं से जीतने की संभावना जितनी अच्छी होती है तो वहाँ के दावेदारों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती है। ऐसी भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें कोई भी टिकट नहीं मांग रहा है क्योंकि उनकी जीतने की संभावना कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने 5 साल में जो काम किए हैं, हमारे हर कार्यकर्ता को लगता है कि यहाँ पे जीत की प्रबल संभावना है। तो इस नाते हर कोई दावेदारी करना सबका हक है, राजनीति में सबकी अपनी पता हो जाए। तो अभी हमारे साथ है भरत चौधरी जी, जिनका साफ कहना था कि महंगाई तो है लेकिन इस महंगाई को सहने की जनता की आमदनी हो गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा बनता है और जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है।